कि अरविंद केजरीवाल को आज अंतरिम जमानत मिली है सुप्रीम कोर्ट से और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप इस बात को समझिए, जैसे ही न्याय बिंदु जी ने अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में बेल दी थी, ये बात केंद्र सरकार को समझ में आ गई थी कि अब गई भैंस पानी में, अब अरविंद केजरीवाल बाहर निकलने वाले हैं। इसीलिए सीबीआई जो है रातों रात अरविंद केजरीवाल के यहां गई तिहाड़ के अंदर, उनको उन्होंने अरेस्ट किया, दो दिन के लिए फॉर्मेलिटी के लिए जो है 3 दिन की उनकी जो है इंटेरोगेशन करी। अब जो है ये कह दिया कि जी इन्होंने सीबीआई ने भी इनको अरेस्ट कर रखा है, सिर्फ इसलिए कि कहीं गलती से अरविंद केजरीवाल जी की बेल सुप्रीम कोर्ट में हो गई तो उनको उसके बाद भी जो है जेल में रखा जाए। बट मैं ये मानता हूं पीसी एक्ट जो होता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो होता है, वो मोटे तौर पे सीआरपीसी से गवर्न होता है, जिसके अंदर बेल इज अ मैटर ऑफ राइट। इस सीबीआई की बेल के अंदर सीबीआई को साबित करना पड़ेगा कि इनको जेल में क्यों रखना है। ईडी और पीएमएलए के मामले में जो एक्यूज होता है उसको साबित करना पड़ता है कि मैं बेकसूर हूं, तो इसके अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो सीबीआई के ऊपर है। और मुझे लगता है सीबीआई में तो बहुत सारे जो एक्यूज हैं एक्साइज केस के अंदर, उन सबको बेल मिल रखी है, वो सिर्फ पीएमएलए के अंदर जो है उनको बेल नहीं मिली थी जिसकी वजह से वो जेल में थे। तो इट्स अ मैटर ऑफ आई थिंक सम टाइम कि ये सीबीआई की बेल के अंदर जो मामला आएगा तो हमें उम्मीद है उनको बेल मिलेगी और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों की सेवा करने वापस जो है लौटेंगे। से कहा जा रहा है कि साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। बीजेपी जानती थी कि बेल मिल जाएगी और यही साजिश थी और इसी वजह से सीबीआई ने अरेस्ट किया अरविंद केजरीवाल को। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक के बाद एक न्यायालय इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दे रहा है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, और साजिश के तहत सीबीआई की तरफ से अरेस्ट किया गया। कोर्ट ने मामला बड़ी बेंच को भेजा है। आम आदमी पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह कहना कि केजरीवाल को लेकर ईडी की नियत ठीक नहीं है। मेरे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। दीपक, आम आदमी पार्टी लगातार बार बार यही जिक्र करती रही है कि ये तो बीजेपी की साजिश थी, ईडी सीबीआई सब उनके कंट्रोल में है। आपके साथ कौन है, बात कीजिएगा। अभी तक जिस तरीके से अरेस्टिंग की हुई है उसमें अभी हाईकोर्ट में मामला लंबित है, क्या लगता है आपको कुछ होगा? देखिए, पहली बात तो राउज एवेन्यू कोर्ट की जज जो है न्याय बिंदु जी, उन्होंने बड़े क्लैरिटी से अरविंद केजरीवाल जी को पीएमएलए में बेल दी, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने उस बेल के अंदर ईडी को कहा कि ईडी इज वर्किंग विद बायस, मतलब ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काम कर रही है ना। उसके बाद देश की सबसे बड़ी अदालत में इंटरिम बेल मिलना, ये अपने आप में और भी बड़ी बात है। ये बात बिल्कुल है कि केंद्र सरकार ने एक साजिश के तहत, जब अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार थे तो उनको गिरफ्तार होते हुए भी दोबारा गिरफ्तार कर लिया सीबीआई द्वारा, इसीलिए कि कल को ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बेल हो जाएगी, ये उनको भी अंदाज़ा था, एहसास था। तो ऐसा हो जाए तो फिर से जो है अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के मामले में दोबारा से बेल अप्लाई करना पड़े और केंद्र को फिर एक मौका मिल जाए उनको जेल में रखने का। सिर्फ एक षड्यंत्र है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, वो जल्दी हो जाएगा। क्या होगा, क्योंकि सीबीआई मामले में तो अभी भी उनको जेल में रहना। सीबीआई जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट होता है, उसमें बेल इज अ मैटर ऑफ राइट, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन सीबीआई, तो उसमें बेल मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर अब हाई कोर्ट में भी बात रखेंगे कि इस तरीके से लीगल टीम जो है तय करेगी। तो सौरभ भारद्वाज सीधे तौर पर ये कह रहे थे कि जिस तरीके से निचली अदालत ने अंतरिम जमानत दी थी, उसके बाद सीबीआई एंटर हुई अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की, उस वक्त ही आम आदमी पार्टी ने अंदेशा जता दिया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने वाली है, इसलिए इन्हें पहले ही सीबीआई से अरेस्ट करा दिया गया। सीधे तौर पर एक बड़ा आरोप यह भी है कि सीबीआई ने एक साल तक इस पूरे मामले में कोई पूछताछ नहीं की, जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था उस दौरान भी। अब जब सीबीआई की गिरफ्तारी हुई है तो आम आदमी पार्टी का यह कहना है, उनके वकीलों का यह कहना है कि हाई कोर्ट में जो मामला लंबित है, हाई कोर्ट में जब सुनवाई होगी उस दौरान सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सामने रखा जाएगा, उसके आधार पर यह कहा जाएगा कि यह जो गिरफ्तारी है वो गलत है, इसको चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया गया, वहां से अंतरिम जमानत जरूर मिल गई है, तो हाई कोर्ट को भी इस पर विचार करना चाहिए। जी लेकिन दीपक, जिस तरीके से बार बार आम आदमी पार्टी इस बात का जिक्र कर रही है कि ये तो देखिए अन्याय हो रहा था अरविंद केजरीवाल के साथ और अब सत्य की जीत हुई है, लेकिन अभी तो फिलहाल ये फौरी राहत के तौर पर देखा जाए ना दीपक, क्योंकि अभी अंतरिम जमानत मिली है, केस चल रहा है,
सीबीआई मामले में अभी भी अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर ही हैं, तो क्या ये इतनी बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए? जी बिल्कुल, फौरी राहत है क्योंकि पीएमएलए एक्ट है, पीएमएलए एक्ट को इस तरीके से आप हटा नहीं सकते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इसको बड़ी बेंच के पास भेजा जाना चाहिए, यानी कि बड़ी बेंच जो है वो पीएमएलए के तहत ही देखेगी कि क्या अरविंद केजरीवाल, जो कि एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, एक राजनेता हैं, उन पर इस तरह की गिरफ्तारी हो सकती है नहीं, क्योंकि गिरफ्तारी को सीधे तौर पर चैलेंज किया गया था। लेकिन इस दौरान अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने भी सीधे तौर पर यह कहा था कि वो एक मुख्यमंत्री हैं, कोई भगोड़े नहीं है कि जो कहीं भाग जाएंगे, देश से बाहर चले जाएंगे, इसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।